हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो HTML कोर्स सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा VS कोड क्या होता है, क्यों हम लोगों को VS कोड यूज़ करना चाहिए। हमने बहुत सारे फीचर्स के बारे में डिटेल्स में देखा था। हम VS कोड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में, उसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड हम लोगों ने MET टूल के बारे में भी बात किया था कि किस तरह से MET शॉर्टकट यूज़ करके हम अपने कोड को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एंड हमने इंस्टॉल किया था कुछ एक्सटेंशंस, ये भी देखा था कि VS कोड में शॉर्टकट की क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग शॉर्टकट की को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक VS कोड इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग प्लीज इसे इंस्टॉल कर लेना। लास्ट वीडियो में आपको पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को बता दिया है VS कोड डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे HTML कोड को लिखना। HTML कोड के बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे एंड देखेंगे कि क्या क्या टैग्स यूज होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। एंड साथ ही साथ हम लोग अपना फर्स्ट HTML वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे अपना VS कोड। VS कोड को किस तरह से ओपन कर सकते हैं आप लोग, ये भी मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बता दिया था। तो चलिए जल्दी से अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लास्ट के वीडियो में मैंने एक फोल्डर बनाया था HTML कोर्स के नाम से डेस्कटॉप पे। मैं सेम उसी फोल्डर को ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करना है हमें। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। हमने जो फोल्डर बनाया था वो फोल्डर हमें यहाँ पे दिख रहा है। एंड अब इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल्स क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आइकन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है, फाइल का नाम ऐड करना है। क्योंकि हम लोग HTML फाइल बना रहे हैं तो किसी भी HTML फाइल को हम लोग .html एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो मैंने .html लिख के एंटर किया, ये फाइल मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल जो .html के साथ सेव होती है वो एक HTML फाइल होता है। फाइल नेम कुछ भी रख सकते हो आप, बट ये index.html का क्या मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है आपके वेबसाइट पे बहुत सारे HTML फाइल हो सकते हैं। तो वैसे केस में क्या होता है, ब्राउजर फाइंड आउट करता है कि आपके कौन से HTML फाइल का नाम इंडेक्स के नाम पे रखा गया। तो जो भी इंडेक्स के नेम से जो भी HTML फाइल होती है उसे हमारा ब्राउजर हमारे वेबसाइट का, हमारे वेब पेज का होम पेज कंसीडर करता है। तो इसलिए हम लोग index.html फाइल बनाते हैं। होम पेज क्या होता है, जब भी हम कोई एक वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पेज ओपन होता है वो उस वेबसाइट का होम पेज होता है। तो इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी। तो अब आ जाते हैं हम लोग इस index.html फाइल में। अभी मैं यहाँ अगेन इस एक्सप्लोरर पे क्लिक करूंगी तो ये साइड में जो दिख रहा था फाइल्स वो अभी नहीं दिखेगा। तो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको एक MET टूल के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर कर रही हूँ बस। एंड यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है MET एब्रीविएशन, मीन्स कि ये MET का शॉर्टकट है। अभी मैं एंटर कर रही हूँ तो ये आप देख सकते हो एक HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख के आ चुका है। अगर ये कोड आप नोटपैड में लिखने जाओ तो आपको लाइन बाय लाइन सारे कोड को लिखना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए हम लोग एक कोड एडिटर यूज़ करते हैं जिससे हमें कोड लिखना थोड़ा इजी हो जाता है। अभी कंट्रोल प्रेस करके मैं माउस व्हील को स्क्रॉल करूँगी तो ये कोड हमारा जूम हो जाएगा, ये मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बता दिया था। तो बेसिकली यही है हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, मीन्स बेसिक कोड जिसे यूज करके हम लोग अपने HTML कोड को लिखेंगे और पूरा का पूरा वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी एंड साथ ही साथ हम लोग अपनी फर्स्ट HTML वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे इसी कोड को यूज़ करके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है ये आपको दिख रही है डॉक टाइप HTML। तो ये क्या होती है, कोई भी HTML फाइल हमेशा इस डॉक टाइप डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट होती है। मीन्स ये ब्राउजर को ये बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक HTML टाइप डॉक्यूमेंट है। तो इससे ब्राउजर को पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट एक HTML डॉक्यूमेंट है। एंड ये डॉक टाइप डिक्लरेशन इसे बोलते हैं हम लोग, HTML 5 ने सुना होगा जो कि लेटेस्ट वर्जन है जिसमें हमें ये डॉक टाइप डिक्लरेशन लिखना कंपलसरी होता है। तो इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है HTML हेड, तो ये जो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी की तरह ही होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में हेड होता है, बॉडी होता है, फुटर होता है, सेम उसी तरह से इस HTML स्ट्रक्चर में भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस स्ट्रक्चर का हेड पार्ट है एंड ये बॉडी पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें HTML एलिमेंट है जो कि टैग को यूज़ करके बनाया जाता है। तो अब टैग क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो HTML में टैग जो होता है कीवर्ड की तरह होता है जिसे हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। टैग की मदद से ब्राउजर को ये पता चलता है कि कौन से कंटेंट को किस तरह से एक वेब पेज पे, एक वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है। तो HTML में दो तरह के टैग होते हैं। पहला जो होता है वो पेयर टैग होता है
तो पेयर टैग ऐसा टैग होता है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। मीन्स अगर वैसा टैग जिसे हम ओपन कर रहे हैं उसे हमें क्लोज भी करना होता है, एंड एम्प्टी टैग वैसा टैग होता है जिसे हमें क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कंटेंट है कंप्लीट HTML कोर्स, इसे हमें वेब पेज पे हेडिंग बनाना है। तो ब्राउज़र को ये कैसे पता चलेगा कि इस कंटेंट को हेडिंग की तरह दिखाना है पेज पे। तो यहाँ पे देखो ये H1 जो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर है, ये एक हमारा टैग है। तो जब हम किसी कंटेंट को एक टैग के अंदर लिखते हैं तो इस टैग के थ्रू ब्राउज़र को पता चलता है कि हाँ इस कंटेंट को हमें हेडिंग बनाना है क्योंकि ये हेडिंग टैग के अंदर लिखा गया है। एंड यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। बेसिकली टैग के थ्रू ब्राउज़र ये पता करता है कि किस कंटेंट को किस तरह से आपके वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है। तो ये काम होता है टैग का। और यहाँ बीच में जो भी आप ऐड करोगे वो हमारा कंटेंट हो जाता है। HTML में H1 टैग हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और भी टैग होते हैं हेडिंग को डिस्प्ले कराने के लिए जो कि हम लोग आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस हेडिंग टैग को हम लोग यहाँ पर ओपन कर रहे हैं जो कि ओपनिंग टैग है, और यहाँ पर ये मेथड होता है क्लोज करने का। मीन्स एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लोग बैक स्लैश ऐड करके उस टैग को लिखते हैं, उस कीवर्ड को लिखते हैं जिसे हम लोग क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडिंग टैग को ओपन भी किया एंड क्लोज भी किया, तो ये हमारा होता है पेयर टैग। एंड अगर हम लोग इस ओपनिंग टैग, इस कंटेंट एंड इस क्लोजिंग टैग इन सबको एक साथ कंबाइन करें तो इस पूरे लाइन को हम लोग HTML एलिमेंट बोलते हैं। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, HTML एलिमेंट क्या होते हैं, पेयर टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग क्या होते हैं। तो आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट क्यों यूज़ हुआ है, ये क्या है। अगर कोई भी कीवर्ड एक एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है इट मीन्स कि वो एक टैग है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हेड, इस हेड कीवर्ड को हमने इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये एक टैग है और ये ओपनिंग टैग है। एंड अगर इस टैग में इस कीवर्ड से पहले बैक स्लैश ऐड कर दिया हमने तो ये क्लोजिंग टैग हो जाती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें अभी आपको खुद ब खुद क्लियर हो रही होगी क्योंकि मैंने टैग के बारे में आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब हम लोग देखते हैं ये सेकेंड लाइन को जो कि HTML। तो इस डॉक टाइप डिक्लरेशन के बाद हम लोग HTML टैग को डिफाइन करते हैं। एंड ये HTML टैग रूट एलिमेंट होता है किसी भी HTML फाइल का। इस HTML कोड के अंदर ही हम लोग सारे कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये HTML कोड ओपन हो रहा है, मीन्स ये ओपनिंग टैग है और यहाँ पे HTML का क्लोजिंग टैग है। एंड VS कोड में एक और अच्छी चीज़ है, अगर आप इस यहाँ पे देखो लैंग्वेज के ऊपर अगर आप कर्सर को लेके जाओ तो आपको पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे भी वही लिख के आ रहा है कि ये डिफाइन करता है लैंग्वेज को, कि इस एलिमेंट का लैंग्वेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से कर्सर को पॉइंट करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेड टैग। तो HTML में हेड टैग एक ऐसा टैग होता है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, उसमें कुछ मेटा डेटा होते हैं, एंड कभी कभी हम लोग कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेस भी ऐड करते हैं HTML में, तो वो भी हम लोग हेड टैग के अंदर ही ऐड करते हैं, जैसे कि कोई लिंक होता है या स्क्रिप्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हेड टैग के अंदर ऐड करते हैं। एंड एक और चीज़, हेड टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती है, बट एक इस हेड सेक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है जो कि है टाइटल का। तो यहाँ जैसे टाइटल नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये टाइटल है। अगर यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर दूँ, जैसे मैं लिखती हूँ कंप्लीट HTML कोर्स, तो इस टाइटल टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट ऐड करेंगे, जो भी टेक्स्ट ऐड करेंगे वो हमारा डिस्प्ले होगा ब्राउज़र के टाइटल बार में। तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब हम लोग अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया, इसे हम रहने देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये मेटा डेटा क्या होता है। तो जैसा कि आपको मेटा नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, एंड कैर सेट है यहाँ पे कैरेक्टर सेट। तो इस डॉक्यूमेंट में हम लोग कौन सा कैरेक्टर सेट यूज करेंगे वो इस टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है, इस मेटा टैग के अंदर डिफाइन किया जाता है। एंड UTF-8 एक कैरेक्टर सेट होता है, इसके बारे में आप लोग
एक बार खुद से गूगल कर सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड यहाँ पे कैरेक्टर इनकोडिंग के लिए UTF-8 कैरेक्टर सेट ही क्यों यूज़ करते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो कैरेक्टर सेट होता है ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर और सिंबल को कवर करता है, जिसकी वजह से HTML में UTF-8 कैरेक्टर सेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इस मेटा टैग पे आते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है एंड यहाँ पे व्यू पोर्ट लिखा। व्यू पोर्ट का मतलब होता है आपका स्क्रीन साइज, आप अगर लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी यूज कर रहे हो उसका स्क्रीन साइज क्या है। तो आपके स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग आपके वेबसाइट को डिस्प्ले कराने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यूज किया जाता है इस मेटा टैग के अंदर। तो बेसिकली ये मेटा टैग हम लोग वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पे ऐड करते हैं हेड टैग के अंदर। और टाइटल मैंने आपको बताया, टाइटल टैग के अंदर ये टाइटल टैग है, ये टाइटल का ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। एंड इसके अंदर जो भी हम लोग टेक्स्ट ऐड करेंगे वो ब्राउजर के टाइटल बार में आपको डिस्प्ले होगा। तो आई थिंक ये हेड सेक्शन अभी क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोग बॉडी पार्ट पे या बॉडी टैग के ऊपर। तो ये बॉडी का ओपनिंग टैग है एंड ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है। बॉडी टैग के अंदर वो कंटेंट आते हैं जो हमारे वेबसाइट पे हमें डिस्प्ले होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाऊं, तो जैसे ये गूगल का पेज है, तो यहाँ पे देखो आपको हेडिंग दिख रही है, एक सर्च बॉक्स दिख रहा है, यहाँ कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिंक दिए हुए हैं। तो ये सारी चीजें बॉडी टैग के अंदर ही लिखी जाती है, बॉडी टैग के अंदर डिफाइन की जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दूं, बेस्ट HTML कोर्स, ये हमें डिस्प्ले कराना है अपने वेब पेज पे, तो इसलिए मैंने इसे बॉडी टैग के अंदर लिखा है। तो एक वेबसाइट पे जितनी चीजें होती है, जैसे हेडिंग होती है, पैराग्राफ होते हैं, इमेजेस होते हैं, लिंक होते हैं, आइकन्स होते हैं, वो सारी चीजें इस बॉडी टैग के अंदर हम लोग ऐड करते हैं जिससे वो हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होता है। तो अगर अभी हम देखें तो हमारा एक HTML वेबसाइट का जो कोड है वो रेडी हो चुका है, अभी हमारा HTML फाइल रेडी है। तो इसके आउटपुट को देखने के लिए मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि हमने लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन यूज किया था, तो यहाँ पे सो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे हम तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा, बट हमें इसे अपने ब्राउजर पे देखना है। तो यहाँ पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करेंगे हम, तो ये ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा HTML का फर्स्ट वेबसाइट क्रिएट हो चुका है। जो हमने बॉडी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट ऐड किया वो इस वेब पेज के ऊपर दिख रहा है, ये हमारा वेब पेज है अभी, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिखता है हमें। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइटल बार में कम्प्लीट HTML कोर्स, ये हमने कहाँ ऐड किया था, ये हमने हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल टैग के अंदर ऐड किया था ये टेक्स्ट। तो जो भी हम टाइटल में ऐड करेंगे वो हमें यहाँ टाइटल बार में डिस्प्ले होगा ब्राउजर के, और जो भी हम लोग बॉडी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट इमेजेस कंटेंट जो भी ऐड करेंगे वो हमें अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। तो हम लोगों ने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक अभी वन बाय वन सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। डॉक टाइप डिक्लेरेशन देखा हमने, HTML टैग देखा, ये HTML एक रूट एलिमेंट होता है, ये HTML ओपनिंग टैग है और ये HTML का क्लोजिंग टैग है। एंड इसके अंदर हेड एलिमेंट है, इसके अंदर बॉडी एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग टैग कंटेंट एंड द क्लोजिंग टैग। तो ये होता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम लोगों ने देखा आज के इस वीडियो में। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी टैग के बारे में जानेंगे, और भी एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लेना, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक HTML को कवर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि जो भी नए वीडियो अपलोड हो कोर्स में या फिर और भी दूसरे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।